और देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की तैयारी है। पीएम हाउस का घेराव भी आज किया जाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पीएम हाउस तक मार्च निकाला जाएगा। तो देश भर में कांग्रेस का उग्र आंदोलन, बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, जहां पर महंगाई और बेरोजगारी का विरोध किया जाएगा। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे कांग्रेस सांसद। पीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, जिनके नेतृत्व में पीएम हाउस तक मार्च निकाला जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस विरोध कर में जुटी हुई है, जिसमें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन पर आज है। कांग्रेस ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के घेराव का भी ऐलान किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम नेता दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुके हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और कुछ इस तरह की तस्वीरें रायपुर से भी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो गया है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी। रायपुर के अंबेडकर चौक पर ही प्रदर्शन होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सिंभूपेश बघेल भी इसमें शामिल रहेंगे। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गया है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी आज देखने को मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बड़े स्तर पर प्रदर्शन रायपुर में भी होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में भी होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कार्यकर्ताओं की। अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन हो रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, क्या आप मौके पर मौजूद हैं और हमें जानकारी इस बारे में भी दीजिए कि क्या वहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस जो है बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे राष्ट्र देश भर में जो है प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी लगाया गया है खाने पीने के सामान में, ऐसे बहुत से विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया, देख सकते हैं। तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पे शामिल होंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर है। जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, खाने पीने के सामान में जीएसटी लगा रही है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस जो है मैदान में है। कोशिश करेंगे हम बात करने की। हमारे साथ जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे भी है, अमरजीत चावला जी भी है। अमरजीत चावला जी, आज जो जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या देखिए, जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार लगातार रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी लगा के महंगाई बढ़ा रही है। आज जो सिलेंडर है 1100 से ऊपर हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए, आम जनता में त्राहिम आम की स्थिति है। ऊपर से केंद्र की सरकार अपनी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग भी लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। तो हम जीएसटी और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। इसके बाद हम सब जाके राजभवन का घेराव भी करेंगे। ये थे हमारे साथ अमरजीत चावला जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तो हम यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हैं, क्योंकि कुछ देर में मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के बाद राजभवन का घेराव किया जाएगा, वहाँ पे विज्ञप्ति सौंपी जाएगी और साफ तौर पर एक मैसेज दिया जाएगा केंद्र सरकार को कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है,
खाने पीने के सामान में जीएसटी लगाया जा रहा है, अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी और उग्र प्रदर्शन करेगी, लेकिन कांग्रेस का राजधानी में प्रदर्शन अभी शुरू हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपको कुलेश्वर इन तस्वीरों के लिए। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार कांग्रेस के कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग पर महिला कार्यकर्ताएं चढ़ गई हैं। महंगाई बेरोजगारी के विरोध में हल्ला बोल कांग्रेस का, सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता भी आंदोलन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता।